अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर कोड के चैनल पे। तो आज हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके स्कूल के मैनेजमेंट के काम को काफ़ी ही आसान कर देगा। तो आज मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा और इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी आप हमसे कांटेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर अपने किसी जानने वाले या फिर अपने ही स्कूल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है, यहाँ से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं एक फॉर्म खुला हुआ है। यहाँ पे हमारे पास सेशन है कि हमारे पास कौन सा सेशन चल रहा है। आप जैसे कि एयर के सेशन होते हैं तो वो सेशन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे, तो आपको जो वैल्यू आपको जिस मंथ की चाहिए, जिस तारीख की चाहिए, आप उस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस मंथ का, उस तारीख का आपके पास यहाँ फी पेड और कोर्स फी पेड, टोटल एक्सपेंस और इनकम, फी ड्यू या एक्टिव स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये सिंपल इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट ऐड करने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बच्चा आपके पास एडमिशन के लिए आता है या फिर आप किसी बच्चे को सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इसका रिकॉर्ड रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा हमारा एचआर, आप देख सकते हैं फी वाले जो है, फी वाले में मैं आता हूँ बाद में, पहले एचआर वाला है। एचआर के अंदर हमारे पास स्टाफ ऐड करने का है, तो आप यहाँ से आपका जो स्टाफ है उसकी आप सैलरी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टाफ की, वो सारी आप यहाँ से ऐड डिलीट डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। जैसे कोई नए टीचर आप रखते हैं तो उसको आप यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एचआर के अंदर यहाँ पे लीव है, कोई टीचर आपसे लीव लेना चाहता है, किस लिए लीव ले रहा है, लीव टाइप है यहाँ पे, और कौन सा स्टाफ है, कब से कब तक लीव ले रहा है, तो वो यहाँ पे लीव ऐड करने का फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हॉलीडे, जैसे कि कुछ छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ से आप छुट्टियाँ वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। छुट्टियाँ अगर आपको देनी है टीचर्स को, बच्चों को, तो आप यहाँ से उसको हॉलीडे के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फी का। अब जैसे ही आप कोई बच्चे ऐड करते हैं तो उसकी यहाँ पे फीसेज आपकी होती हैं कि उसके ऊपर मंथली फीस हो गई, उसकी ईयर की, एडमिशन की, और उसके बाद जो उसके रिसीवेबल्स होते हैं जो कि अगले महीने या इस महीने आने होते हैं, तो उनकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ हमारा फी शेड्यूल है, फी स्केजुअल है। फी स्केजुअल के अंदर हमारे पास क्या है कि फी आपने किस मंथली फी है मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी, इस सेशन की सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब आप जिस क्लासेस की फीस आपको चेंज करनी है या फिर ऐड करनी है यहाँ से, तो वो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फी पे का ऑप्शन है, किसी बच्चे की फी आपने पे करनी है तो आप यहाँ से आके उसकी मंथली फी या फिर उसके ड्यूज़ या फिर उसकी अदर फीस जो है, जैसे कि हमारे पास फॉर्म वगैरह की फीस होती है, तो वो फीस आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फी वाउचर का। अब जो बच्चा मिसाल के तौर पे हमारे क्या होते हैं कि स्कूलों के अंदर ये हमारे मंथली वाउचर जनरेट होते हैं, तो वो वाउचर आप यहाँ से आके क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर पूरा डिज़ाइन कर दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट फी अनपेड, यहाँ से आप जिन बच्चों की फी अनपेड है उन बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके सर्च कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों की फी अनपेड होगी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मेरे पास अनपेड अनपेड यहाँ पे सब शो हो रहे हैं, तो इन बच्चों की फीस